वितरण का कार्य हो, उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनना चाहेंगे और मेरा विनम्र अनुरोध अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। परम सदैव साध्वी श्री विशद प्रभा जी, साध्वी श्री चैत्य प्रभा जी, साध्वी श्री प्रसम यशोदा जी, यहाँ उपस्थित हमारे समारोह की अध्यक्षा श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, टिकी जैन साहब, नरेश मेहता जी, आदरणीय सोनलाल जी गांधी साहब, श्रीमती नरेश मेहता, यहाँ उपस्थित हमारे प्रवक्ता रजनी शर्मा जी, सुमंदर शर्मा जी, तमाम अन्य उपस्थित अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और हमारे तमाम निःशक्त भाई बहन, मुझे खुशी है कि आज निःशुल्क विकलांग सहायता शिविर का आज समापन समारोह रखा गया और महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प द्वारा आयोजित इस समारोह में मुझे आने का अवसर मिला। इस बात की मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि समाज के कई वर्ग इस रूप में जो काम करते हैं समाज सेवा का, उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, पसंद करता हूँ कि समाज खुद आगे आकर के विशेष योग्य जन, जो निःशक्त जन कहलाते थे पहले, कोई जो अपंग कहलाते थे, सरकार ने भी समाज ने भी इस बात का एहसास किया कि ये हमारे विशेष योग्य जन हैं, इसी रूप में आज उनको एक पहचान मिली है देश में भी और प्रदेश के अंदर भी। और ये काम जो नरेश मेहता जी कर रहे हैं, जिस रूप में कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि महावीर विकलांग समिति के कोऑर्डिनेट करके भी आपने वो काम भी डीआर मेहता साहब और जो कर रहे हैं उस काम को भी आपने सहयोग किया है। इस रूप में प्रतिवर्ष निःशुल्क विकलांग और निःशक्त और विशेष योग्यजन की सेवा करना, मुझे बताया गया कि इनके द्वारा आँखों के ऑपरेशन का काम भी बड़े रूप में किया जाता है। तो ये समाज सेवा करना अपना आप में एक संस्कारवान बनना होता है और मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति को बचपन से ही समाज सेवा और रचनात्मक सेवा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था और भगवान महावीर का संदेश भी यही है, सत्य का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, अस्तेय का। और जो ये बातें अपनाते हैं जिंदगी में, वो स्वतः ही फिर समाज सेवा की तरफ अग्रसर होते ही होते हैं और उसी रूप में वो संस्कारवान बनते हैं। बचपन से ही वो संस्कार उनकी ज़िंदगी भर साथ चलते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता ही वो बने, तब भी उसके मूल के अंदर रचनात्मक काम ही होने चाहिए, जिससे कि वो किसी पद पे जाए, वो कहीं राजनेता बने, चाहे उद्योगपति बने, चाहे व्यापारी बने, नौकरी करे, पर संस्कार जब पैदा होते हैं बचपन से ही सोशल वर्क किए हुए के, वो ज़िंदगी भर साथ चलते हैं और वो उसके व्यक्तित्व में निखार ला के लाते हैं और उसको देश प्रेम की और देश सेवा की प्रेरणा को प्राप्त करने का अवसर देते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि मेहता जी ऐसे लोग हैं जो इस काम को हाथ में लिए हुए हैं और मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने इस काम को करने का संकल्प किया। मुझे बताया गया कि जो प्रांगण बना हुआ है शानदार, वो भी इन्हीं की देन है। इस प्रकार के जो लोग आगे आते हैं समाज में, तभी जाके समाज का काम आगे बढ़ता है और समाज सेवा का काम भी आगे बढ़ता है, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी है। वैसे तो कई योजनाएं, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं सरकार ने बनाई है सोशल सिक्योरिटी को आधार बना करके, वो तमाम योजनाएं आप लोग देखते हैं अखबारों में या पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे। सोशल सिक्योरिटी को आधार बना के सरकार आगे बढ़ना चाहती है सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए, युवाओं के लिए, पर विशेष योग्यजन के लिए भी
कोई कमी नहीं रखी गई है। ये राजस्थान में विशेष योगदान की अलग नीति बनी है 2012 के अंदर जो हमने लागू करी है। पॉलिसी बनाना पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पॉलिसी बना करके क्या विशेष योगदान के लिए जो निषिद्ध कहलाते हैं उनके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, नीति के आधार बना के ही सारे फैसले होंगे भविष्य के अंदर भी। इस प्रकार से नीति का निर्माण किया गया जिसको लागू कर दिया गया। इसी प्रकार से अलग से डायरेक्टर बनाना, जैसे विभाग बनता अलग से, निषिद्ध जनों के लिए विशेष योग्य जनों के लिए अलग से डायरेक्टर बना दिया गया राजस्थान के अंदर। ये हमारी प्रायोरिटी दर्शाती है कि सरकार किस प्रकार से विशेष योग्य जनों के लिए उनकी समस्याओं के लिए तवज्जो देना चाहती है। अभी निषिद्ध जन आयुक्त का भी अभी गठन किया गया, वो भी अपना काम शुरू कर रहा है। और उसी रूप में हर क्षेत्र में चाहे स्कॉलरशिप की बात हो चाहे उनके रोजगार की बात हो अलग से स्कीम बनाई गई है। उसी रूप में उनको प्रशिक्षण देने की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, वो काम किया जा रहा है। नौकरियों में आरक्षण के लिए अलग से रोस्टर की प्रणाली को चेंज किया गया जिससे कि उनकी चांस ज़्यादा बढ़ जाए, ये काम भी सरकार ने हाथ में लिया। समान पेंशन जैसे बुजुर्गों को मिली है, विधवाओं को मिली है, उसी प्रकार से विशेष योग्यजनों को दी गई है। बचपन से ही कोई बचपन से भी अगर कोई विशेष योग्यजन है उसकी पेंशन का इंतजाम किया गया है। और तो और अभी हाल ही में हमने 2 साल पहले निर्णय किया था मोटराइज्ड साइकिल, जो साइकिल आप दे रहे हैं सरकार ने अभी तय किया 1000 मोटराइज साइकिल, जो करीब 58,000 की एक साइकिल है, वो 1000 साइकिल हम लोग बांट रहे हैं राजस्थान के अंदर, करीब करीब बढ़ चुकी है। इस प्रकार से कई योजना ऐसी है जो सरकार ने हाथ में ली है जिससे कि विशेष योग्यजन समाज के अभिन्न अंग के रूप में अपनी पहचान बनाए रखें, उनको सम्मान मिलता रहे समाज से। समाज का कर्तव्य बनता है कि वो निषिद्ध जनों को विशेष ध्यान दें। विबंधित बच्चे होते हैं उनके लिए कई योजना हमने अलग से शुरू करी है। और तो और जो लैपटॉप की स्कीम हमारी 1,11,000 छात्रों को है राजस्थान में, 10th पास और 12th पास और 8th पास, उसी ढंग से 1,000 लैपटॉप जो ब्रेल लिपि के होते हैं वो निषिद्ध जनों को, जो हमारे जो दृष्टिहीन है अर्धदृष्टिहीन है उनके लिए अलग से हम लोगों ने 1,000 लैपटॉप जो करीब 18-19 हज़ार का होगा वो तमाम उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने कई योजनाएँ मैं समझता हूँ विशेष योग्यजन के लिए बनाई है। इसीलिए जब मुझे तेजकंद सुराणा जी ने, जिनको हम टीके जयंता भी कहते हैं, जिन्होंने जब मुझे कहा कि ऐसा प्रोग्राम मेहता जी कर रहे हैं गांधी साहब के सानिध्य में तो मुझे आना है, तो पहले तो मेरा प्रोग्राम जोधपुर बना हुआ था पर ये प्रोग्राम विशेष प्रोग्राम है, विशेष प्रोग्राम है और विशेष योग्यजन के लिए है, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं रुका और आप सबके दर्शन हो गए, आप सब से मेरा मिलना हो गया। मैं इस प्रांगण में पहले भी कई बार मैं आया हूँ, माँ प्रगे जी के सानिध्य में भी मुझे कई बार बैठने का अवसर मिला था। अभी मैं हाल ही में लाडनू जाकर आया हूँ, माँ संबंधी के दर्शन मैंने किए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वहाँ पे था उसको मैं पूरा करके आया हूँ। अजय तुलसी जी उस जमाने में जब हम लोग ने राजनीति में प्रवेश लिया था 30-35 साल पहले, तब उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, तो लगातार तेरा पंथ समाज और तेरा पंथ के जो हमारे संगठन है, तेरा पंथ महिला मंडल है, तेरा पंथ युवक परिषद है, सब अपना अपना काम बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से अच्छा काम करती हैं, उसके लिए विशेष उनको बधाई और धन्यवाद। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर तेरा पंथ महिला मंडल का अपना एक नाम है, गांव गांव में काम है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और मेहता जी को मैं बधाई दूँगा और उम्मीद करता हूँ वो इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाते रहें। गांधी जी भी अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, मुझे इनके भी विचार कई बार सुनने को मिलते हैं, मुझे खुशी है कि आज वो भी यहाँ मौजूद है। यही बात कहता हूँ मैं गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो ये आपने काम शुरू किया गया, अपने माता पिता के नाम से आपने ट्रस्ट बनाया और माँ प्रज्ञा सेवा प्रकल्प उनकी शाखा के रूप में काम कर रही है, तो मुझे खुशी है कि आपकी भावना अच्छी है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।
अतिथि देवभव की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं अनुरोध करूंगा महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प के अध्यक्ष गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी श्री नरेश जी मेहता और अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टीके जैन साहब से कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। श्री नरेश मेहता, श्री टीके जैन से अनुरोध, प्रतीक चिन्ह भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश जी बरड़िया, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पाजी बेद, महिला मंडल शहर की अध्यक्षा पुष्पाजी बांठिया, सी स्कीम की अध्यक्षा शायर जी लोनिया और मंत्री नेहा जी नागौरी से कि वे महापौर को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है उसी श्रृंखला